प्रेस की सेंसरशिप वापस लो, वापस लो, प्रेस की सेंसरशिप वापस लो, वापस लो, प्रेस चलेगी, इंदिरा गांधी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र के लिए हो गए। मीसा के अंदर पकड़ के 19 मेले यातनाएं देकर अंबाला जेल के अंदर डाल दिया था। उसके बाद हम लोग अंडरग्राउंड एक्टिविटीज हुए, पुलिस हमारे पीछे पड़ गई और उस समय प्रेस पे सेंसरशिप थी, इंदिरा गांधी कांग्रेस की सरकार की तानाशाही थी, लोगों को यातनाएं दी जा रही थी, 1,40,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे और बच्चों को नहीं छोड़ा गया। ऐसे दूध मुँह पीते बच्चों को अपनी माँ के साथ अंदर डाल दिया गया, हर पार्टी के नेताओं को जेल के अंदर डाला गया और मैंने फिर सत्याग्रह किया और मैं जय तिहाड़ जेल में हुआ। तो हम बाप बेटों का कॉरेस्पॉन्डेंस अंबाला जेल से तिहाड़ जेल में होता था। सवाल ये है कि यहाँ दो जेल दिखाई गई हैं, एक ये जेल है जो लोकतंत्र के लिए लोग जेल के अंदर गए हैं, ये सारे नेता आप देख रहे हैं, हम लोग सब लोकतंत्र के लिए जेल में गए। दूसरी भ्रष्टाचार की जेल है जिसमें जो लोग मनीष सिसोदिया और ये सब लोग, सत्येंद्र जैन, ये सब लोग जेल के अंदर गए हैं और उसके अलावा लालू प्रसाद से लेके नीचे तक हर पार्टी के नेता हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। तो आज इमरजेंसी को याद करना इसलिए ज़रूरी है कि कोई दूसरा तानाशाह पैदा ना है, देश के अंदर लोकतंत्र रहे। ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तानाशाही की बात करते हैं, वो मोदी जी की लोकप्रियता को और उनकी जो विकास के काम हैं और जो जनता उनको स्नेह दे रही है उसको पचा नहीं पा रहे हैं, पर वो ये नहीं देख रहे हैं कि मोदी जी इमरजेंसी के अंदर किस तरह से उस तानाशाही के खिलाफ खड़े हुए थे। तो ये दोनों जेलें बताती हैं इस बात की। मैं आज की नई जनरेशन को कहना चाहता हूँ, आपको आज मालूम नहीं है इमरजेंसी के बारे में, आपको याद करना है कि इमरजेंसी में किस तरह की जातियाँ हुई थी, लोग बहुत सारे मारे गए थे, बहुत को टॉर्चर किया गया था, वो ठीक नहीं है। हेलो, दी मास पई घर छाडी जाई थिले जे आसिले बेळ को घर सारा उई जंदा पिंपुडी मसा माछी, किंतु थैंक्स टू अमरनाथ पेस्ट कंट्रोल केते जल्दी मो घर निर्मल करि देले। आज्ञा हां, उई जंदा पिंपुडी मसा माछी को माडी आसिला डर, जेबे आसिला अमरनाथ पेस्ट कंट्रोल। अमरनाथ पेस्ट कंट्रोल, कॉल 9337333999।